एक दिन पृथ्वी के लोग चांद की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे। अपनी पूजा होते देख चांद खुश हो जाता है। उसके बाद चांद गांव के ऊपर प्रकट हो जाता है और आसमान से लोगों के ऊपर चांदी के सिक्कों की बारिश करने लगता है। यह देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं और जल्दी जल्दी सारे सोने के सिक्के उठा लेते हैं। हमें इतने सारे सोने के सिक्के देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चांद देवता। हाँ, हम इसी तरह आपकी हमेशा पूजा करेंगे और आप हमें इसी तरह चांदी के सिक्के देते रहना। दूसरी तरफ यह सब देख सूरज को बहुत गुस्सा आता है। अरे, ये चांद बहुत चालाक है। पृथ्वी के लोगों को चांदी के सिक्के देकर उनसे अपनी पूजा करवाता है। मुझे इस चांद को सबक सिखाना होगा। उसके बाद सूरज आसमान में उड़ते हुए लोगों के सामने पहुंच जाता है। सुनो, आज से तुम सब मेरी पूजा करोगे। कोई भी इस चांद की पूजा नहीं करेगा। बदले में मैं तुम सबको सोने के सिक्के दूंगा। उसके बाद सूरज के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकलकर लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं। सोने के सिक्के देख लोग चांदी के सिक्के भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी सारे सोने के सिक्के समेट लेते हैं। देखो, मैंने तुम सबको कितने सारे सोने के सिक्के दिए हैं, इसलिए अब इस पृथ्वी पर सिर्फ मेरी पूजा होगी। सुन चांद, आज के बाद कोई भी तेरी पूजा नहीं करेगा। तू पृथ्वी पर दोबारा मत आना। लेकिन ये गलत बात है। पृथ्वी पर हम दोनों की जरूरत है। अगर मैं पृथ्वी पर नहीं आऊँगा तो लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैंने लोगों को सोने के सिक्के देकर इन्हें अमीर बना दिया है। अब इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। समझ गया ना? नहीं नहीं, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तू बहुत ही घमंडी है। सोने के सिक्कों का लालच देकर इन लोगों को बहला फुसला रहा है। सुनो, तुम सब मेरी पूजा करना, वरना मैं रात में यहाँ से गायब हो जाऊंगा और तुम सबको मेरी चांदनी रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। देखो, अगर तुम सबने चांद की बात मानी तो मैं पृथ्वी पर रोशनी देना बंद कर दूंगा। उसके बाद यहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। हमें तुम दोनों की जरूरत है। हम सभी हमेशा तुम दोनों की पूजा करेंगे। नहीं नहीं, मुझे यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। पृथ्वी पर सिर्फ मेरी पूजा होगी, चांद की नहीं। दूसरी तरफ चांद भी अपनी जिद पर अड़ जाता है। उसके बाद लोगों की समझ में नहीं आता कि वह किसकी बात माने। फिर सूरज पृथ्वी से चला जाता है, दूसरी तरफ चांद भी वहां से चला जाता है। अगले दिन से पृथ्वी पर ना तो चांद आता है और ना ही सूरज, जिस वजह से वहां का वातावरण पूरी तरह बिगड़ जाता है। अरे, ये सब क्या हो गया? हमारी पृथ्वी पर तो चांद और सूरज दोनों नहीं आ रहे। देखो, हमारे खेतों की फसल बर्बाद हो रही है और साथ ही हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हाँ भाई, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हम सब बेमौत मारे जाएंगे। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, हमें चांद और सूरज से बात करनी होगी। उसके बाद गांव वाले मिलकर एक बड़े जादूगर के पास जाते हैं। सुनो जादूगर, हमें चांद और सूरज से बात करने के लिए आसमान में जाना है। हमने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ है, इसलिए हमें एक जादुई रॉकेट तैयार करके दो। इस मामले में मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। चांद और सूरज के ना होने से मुझे जीवन जीने में बहुत परेशानी हो रही है। फिर अगले ही दिन जादूगर अपनी जादू शक्तियों से एक विशाल रॉकेट तैयार कर लेता है। उसके बाद सभी गांव वाले रॉकेट के अंदर बैठकर हवा में उड़ते हुए चांद के पास पहुंच जाते हैं। सुनो चांद, तुम हमारी पृथ्वी पर आ जाओ। तुम्हारे ना होने की वजह से हमारे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। मैंने तुम सबको पहले ही कह दिया था कि तुम सब अगर सूरज की पूजा करोगे तो मैं दोबारा पृथ्वी पर नहीं आऊंगा। हमारे पास एक बढ़िया आइडिया है। क्यों ना तुम दोनों आपस में रेस लगाओ, जो जीतेगा हम उसकी पूजा करेंगे। यह विचार चांद को पसंद आता है। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। चलो, चांद हमारी बात मान गया। अब हमें सूरज से बात करनी होगी। फिर सभी गांव वाले रॉकेट में सवार हो जाते हैं और हवा में उड़ते हुए सूरज के पास पहुंच जाते हैं। सुनो सूरज, हम सबने फैसला किया है कि तुम और चांद आपस में रेस लगाओगे। जो जीतेगा हम उसकी पूजा करेंगे। हाँ, चांद हमारी बात मान गया है।
चलो तुम भी रेस के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, ये विचार मुझे पसंद आया। मैं उस चांद को पल भर में हरा दूंगा, उसके बाद पृथ्वी के सभी लोग मेरी पूजा करेंगे। फिर अगले दिन चांद और सूरज रेस में हिस्सा लेने के लिए पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। तुम दोनों को बैलगाड़ी पर सवार होकर इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जाना होगा। जो पहले पहुंचेगा वही विजेता माना जाएगा। उसके बाद चांद अपनी जादुई शक्ति से वहां चांदी की एक बैलगाड़ी प्रकट कर देता है। दूसरी तरफ सूरज भी अपनी जादुई शक्ति से सोने की बैलगाड़ी प्रकट कर देता है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर सवार हो जाते हैं। फिर एक आदमी के इशारा करते ही दोनों की दौड़ शुरू हो जाती है। चांद बड़ी तेजी से बैलगाड़ी को दौड़ाता हुआ सूरज से आगे निकल जाता है। यह देख सूरज गुस्से से तिलमिला जाता है। अरे, ये चांद तो बहुत ही तेज रफ्तार से आगे जा रहा है, मुझे इसे हराना होगा। उसके बाद सूरज भी अपनी बैलगाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते वे दोनों पहाड़ी के नजदीक पहुंच जाते हैं। फिर दोनों पूरा जोर लगाकर अपनी बैलगाड़ियों को दौड़ाकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वह दोनों एक साथ पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। यह देख लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे ये क्या, तुम दोनों एक साथ पहाड़ी पर पहुंचे हो, मतलब तुम में से कोई नहीं जीता और ना ही कोई हारा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, इन दोनों की शक्तियाँ बराबर है, इसलिए ये दोनों एक साथ पहाड़ी पर पहुँचे हैं। क्या अब भी तुम दोनों को बात समझ में नहीं आई? तुम दोनों ही हमारे लिए जरूरी हो, तुम में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, तुम दोनों अपनी जगह एकदम सही हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेकार के घमंड में आकर मैं चांद से प्रतियोगिता कर रहा था। हम दोनों बराबर है और हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की भलाई करना चाहिए। दूसरी तरफ चांद को भी अपनी भूल का एहसास हो जाता है। हाँ सूरज भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों को घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों का भला करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीना चाहिए। दोनों की बात सुनकर सभी गाँव वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सूरज लोगों को ढेर सारे सोने के सिक्के देता है और चांद लोगों को ढेर सारे चांदी के सिक्के दे देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से सूरज और चांद कभी घमंड नहीं करते और लोगों की भलाई करते हुए हंसी खुशी रहने लगते हैं।